आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी को मेरा बहुत प्यारा प्यारा नमस्कार। मैं अभी देख रही हूँ यूट्यूब पर लोग कम आए हैं, फेसबुक पर आ गए, फेसबुक और इंस्टा पर लोग लाइव हो चुके हैं, यूट्यूब पर थोड़े से कम लोग हैं, तो वो हम लोग उसको भी देखते हैं। जस्ट विद इन 2 मिनट्स फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। It was only quick 2 minutes, क्योंकि ना फिर बाद में बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हम लेट हो गए बताओ, तो ओनली 2 मिनट्स फ्रेंड्स। अदरवाइज सब लोगों को मालूम है कि स्मिता बहुत जल्दी क्लास टाइम को शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को बता रहे हैं हाउ टू मेक आइसक्रीम संडे। नाम कितना अच्छा लगता है ना, आइसक्रीम संडे, वाओ। आप में से कितने लोगों ने संडे बनाया हुआ है, खाया हुआ है, कैन यू पुट इट टू द चैट बॉक्स, इंस्टा वाले इंस्टा पर, फेसबुक वाले फेसबुक पर और यूट्यूब वाले यूट्यूब पर। मेरे पास पूरे प्रॉपर एम्प्लॉयज हैं जो उसको पढ़ेंगे। आप में से अगर कितने लोगों ने संडे खाया है तो पुट इट टू द चैट बॉक्स कि हम लोगों ने संडे खाया हुआ है। नहीं खाया तो ओके, तभी तो आप यहाँ पर हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं भी बनाया, नहीं खाया, आज खा लोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना इजी तरीके से मैं रेसिपी ले रही हूँ ना, आप भी सोचोगे वाओ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि संडे इतना इजी होता है। इट्स अ वेरी इजी। तो आप लोग क्या चैट बॉक्स पर डाल पाएंगे अगर किसी ने बनाया है, बनाया नहीं तो खाया है, खाया भी नहीं तो सुना है, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए कि यहाँ का जो ऑडियंस है वो कैसे हैं, मैं फिर आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग से खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आई नीड टू अंडरस्टैंड, किसी को ये भी नहीं मालूम संडे होता क्या है, तो मैं वहां से शुरू करूंगी। तो मैं मानती हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग कह रहे हैं नो, यस भी कह रहे हैं, इट्स गुड, लेकिन जो लोग नो कह रहे हैं मुझे उनको भी ध्यान में रखना है। जैसा कि आपने देखा है कि हमने जो इस आज के जो वर्कशॉप का नाम दिया है वो है डिजाइनर आइसक्रीम। फ्रेंड्स आइसक्रीम और संडे में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, और अगर मैं ये बोलूं संडे बनाने के लिए हमें पहले आइसक्रीम चाहिए तो वो भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए संडे बनाने के लिए, वी नीड आइसक्रीम। आज हम ये आइसक्रीम नहीं ले रहे हैं, फिर कभी वेबिनार लेकर आएंगे आइसक्रीम का, तो घबराइएगा नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं आइसक्रीम नहीं आई, कोई बात नहीं, आपके पास 2 तरीके हैं आइसक्रीम को बनाने के। मैं समझती हूँ काफी लोगों को आता होगा आइसक्रीम बनाना। अगर आप लोगों को आइसक्रीम बनाना आता है बहुत बढ़िया, आप लोग खुद आइसक्रीम बनाइएगा। मैं जो फ्रेंड्स यहाँ पर आइसक्रीम ले रही हूँ, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी आइसक्रीम ये बना करके रखी हुई है। फ्रेंड्स ये ना हमारा आइसक्रीम जो कि मैंने बना करके रखी हुई है। अगर आप लोगों को नहीं आता आइसक्रीम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, 2 ऑप्शंस हैं, ईदर यू कैन बाय फ्रॉम मार्केट, आप मार्केट से ले लीजिए। नंबर 2, आप लोग आइसक्रीम बनाने का कोर्स कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बताएंगे। सो इज इट क्लियर? रेडीमेड ले लीजिए, खुद आती है खुद बना लीजिए, नहीं आती तो आप लोग सीख लीजिए, चॉइस आप लोगों का है, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को वेनिला आइसक्रीम बनानी है और उसको जमा कर रखना है। अब वेबिनार 1 घंटे का है, आइसक्रीम हम बता नहीं रहे हैं, तो मैंने क्या किया हुआ है, आइसक्रीम को मैंने जमा करके रख दिया पहले से ही, क्योंकि वो 5 या 6 घंटे के लिए मुझे रखना था, तो वो भी मैंने फ्रिजर में जमा करके मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को असेंबल कैसे करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को चलिए थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। फ्रेंड्स आइसक्रीम में और संडे में क्या फर्क होता है, आइसक्रीम हम सबने खाया, वनीला आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, कॉटन कैंडी आइसक्रीम, पान आइसक्रीम, बहुत आइसक्रीम्स हैं। इवन तो अपने आइसक्रीम कोर्स में भी हम लोग 35 टाइप्स की आइसक्रीम सिखाते हैं, बट वो आइसक्रीम लेकर के हम कप में डाल देते हैं। लेकिन संडे में क्या है, मैक्सिमम आप लोगों को सॉस डालनी होती है। तो क्या डिफरेंस है आइसक्रीम और संडे में, नंबर 1,
संडेस में आप लोगों को सॉस डालनी है। अब ये सॉस भी फ्रेंड्स आप लोग रेडीमेड ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज कंपनी, हर्षी की कंपनी का आप लोग सॉस ले लीजिएगा, ठीक है। बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगी फ्रेंड्स, ये ना बहुत महंगी है तो इसको बहुत ना इमरजेंसी में यूज करते हैं। तो आज जब हम लोग ये प्लान कर रहे थे तो मुझे लगा कि हम लोग स्टूडेंट्स को सॉस भी बनाना बताएं, चॉकलेट सॉस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चॉकलेट सॉस को बनाएंगे। और ये सॉस इतनी मस्त सॉस है फ्रेंड्स, आप लोग इसको संडेस में डालिएगा, आइसक्रीम में डालिएगा, ब्रेड के ऊपर लगाइए, केक के ऊपर डालिए, डेजर्ट्स के ऊपर डालना, और जो लोग वेफल्स बनाते हैं वेफल्स के ऊपर भी आप लोग डाल सकते हैं। तो एक ही सॉस है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। सो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप चॉकलेट सॉस को कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे बोलते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, सबको मेरी आवाज प्रॉपरली समझ में आ रही है, फेसबुक वालों को, इंस्टा वालों को, यूट्यूब वालों को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पुट इनटू द चैट बॉक्स, किरण आप भी पढ़ लीजिएगा चैट बॉक्स। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रहा कि सुनीता क्या बोल रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं थोड़ा सा और धीरे बोलूंगी। तो YouTube पर तो सब लिख रहे हैं यस यस, Facebook वाले भी यस, ठीक है, Insta वाले भी, ग्रेट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सॉस बनाने से। सॉस बना करके आप लोगों को रखना है और लगभग एक घंटे तक रखना है। क्यों? हमें ना बिल्कुल चिल्ड सॉस चाहिए, मतलब ऐसा नहीं अभी बनाया, गर्म सॉस है और आप लोग आइसक्रीम में यूज कर दो, बिल्कुल नहीं। तो मैंने आज की क्लास के लिए 12 बजे के लगभग मैंने एक सॉस बना दिया था जो मैं आज यूज करूंगी और जो आपको बताऊंगी वो फिर हमारे नेक्स्ट क्लास में काम में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ, चॉकलेट सॉस। यूजेस फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सिर्फ संडे पर नहीं, संडे पर यूज कीजिए, वेफल्स के ऊपर यूज कीजिए, केक के ऊपर यूज कर सकते हैं, डेजर्ट्स के ऊपर आप लोग यूज कर सकते हैं, जो लोग शॉर्ट ग्लास डेजर्ट्स बनाते हैं बिंदास होकर के उसमें भी चलता है, ब्रेड के ऊपर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजेस हैं, हर्षी महंगा है इसलिए मैं आप लोगों को सॉस खुद यहाँ पर बनाना बता रही हूँ, मैं खुद बनाती हूँ। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, सर कॉपी पेन ले लीजिएगा आप लोग और इंग्रेडिएंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बहुत सिंपल फ्रेंड्स, सबके घर में जो मैंने ये जो रेसिपी लिया ना, सबके घर में ये इंग्रेडिएंट होंगे। ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा मैम ये तो हमारे घर में है ही नहीं। हमारी कोशिश यही होती है इतना आसान तरीके से आप लोगों को बताएं कि बस इधर से 4 बजे हमारा वेबिनार खत्म हो, आप लोग चलिए रसोई में जाइएगा और कोशिश कीजिएगा आज ही आप लोग सॉस बना लीजिए, आइसक्रीम रेडीमेड ले लीजिएगा, सॉस बना लीजिएगा और आज रात को हाँ डिनर के बाद आप लोग चाहें तो संडे सर्व कर सकते हैं। कितना क्विक टाइम है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोगों को लेना है सॉस। सॉस के लिए, सॉस मीन्स चॉकलेट सॉस, इट्स नॉट टोमेटो सॉस फ्रेंड्स, इट्स इन चॉकलेट सॉस। हाँ चॉकलेट सॉस हम लोगों को चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था संडे के लिए हमेशा हम लोगों को सॉसेस चाहिए। इट मे बी कैरेमल सॉस, बटरस्कॉच सॉस, चॉकलेट सॉस, रसबेरी सॉस, ब्लूबेरी सॉस, बहुत किस्म की सॉसेस बनती हैं। बट आज हम लोग जो ले रहे हैं वो सिंपल चॉकलेट सॉस ले रहे हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग वेंडिंग मशीन भी ले सकते हैं, बट आज के इंग्रेडिएंट इतने ईजी हैं कि मैंने वेंडिंग मशीन नहीं लिया। मैंने क्या लिया, हाफ कप फ्रेंड्स, ये ना ये आप लोगों का कप है, आधा कप मीन्स 100 ग्राम। जो लोग वेंडिंग मशीन से काम करना चाहते हैं आप लोग ये 100 ग्राम ले लीजिएगा। मैंने आज क्या किया है, ये कप लिया है, हाँ दिस इज इट, ये हमारा हाफ कप है फ्रेंड्स। इसके अंदर ना लिखा हुआ होता है हाफ, और इसके अंदर ना लिखा हुआ होगा 1/3, ये लिखा हुआ होता है तो इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और इस कप के अंदर ना यहाँ पर अभी आप शायद वीडियो में नहीं देख पाएंगे, छोटा सा लिखा हुआ है 1/4 और एक 1 कप वाला भी है, बट मुझे आज 1 कप नहीं चाहिए था, तो मुझे क्या चाहिए, हाफ कप एंड 1/4 कप।
तो सबसे पहले देखते हैं हाफ कप क्या चाहिए, शुगर। फ्रेंड्स सबसे पहले चीनी आप लोगों को लेनी है, पीसी हुई ले लो वो भी चलेगा, नहीं लोगे पीसी हुई वो भी चलेगा, हाँ कोई भी आप लोग चीनी ले लीजिएगा। नासी फ्रेंड्स ये हम लोगों ने लिया, ये देखिए जी कितना है, ये हाफ कप। तो हमने क्या किया इसको यहाँ पर डाल दिया, इट्स क्लियर टू एवरीवन, वेरी सिंपल। हाफ कप चीनी मैंने लिया और मैंने इसमें डाल दिया। अगर आप लोग डबल बनाना चाहते हैं तो डबल के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक कप ले लीजिए, हर इंग्रेडिएंट को डबल कर दीजिएगा। कम बनाना है 1/4 ले लीजिएगा, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इज इट क्लियर यहाँ तक का। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये हो गया हमारे, थोड़ी सी चीनी बची है मैं डाल देती हूँ। ओके ठीक है जी, तो हाफ कप हम लोगों ने ये लिया चीनी। हम लोगों को चाहिए नमक। फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, नमक चाहिए इतनी क्वांटिटी के लिए हम लोगों को चाहिए 1/8। 1/8 का क्या मतलब है, 1/4 चम्मच ले लीजिएगा, इसमें आपको 1/4 मिलेगा। ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ है, यस फ्रेंड्स इट्स रिटन हियर 1/4, तो मैं 1/4 का मैंने हाफ ले लिया। ठीक है 1/4 का मैंने क्या किया, मैंने हाफ ले लिया। तो ये नमक क्यों डालते हैं, थोड़ा सा चीनी को ना बैलेंस कर देता है, तो बहुत ज्यादा ना मीठा नहीं लगेगा। इज इट क्लियर, तो इसमें हमने क्या लिया है फ्रेंड्स, नंबर 1 चीनी, नंबर 2 नमक। क्लियर है सबको, बहुत बहुत इजी, बहुत ही इजी तरीके से है। ठीक है अब आपने क्या लेना है, पानी लेना है। कितना हम लोगों को पानी लेना है, 1/4, और हम लोगों को लेना है कोको पाउडर। फ्रेंड्स मैं जो कोको पाउडर लेती हूँ, आप हर्षी का ले लो, अगर इंडियन कंपनी लेनी है तो ये मेरा है वेकफील्ड का, तो आप लोग वेकफील्ड ले लो, हर्षी का ले लो, सब मॉडे भी बनाती हैं तो आप लोग किसी का भी ये ले सकते हैं। व्हाट इज दिस, कोको पाउडर। तो कोको पाउडर मुझे कितना लेना है फ्रेंड्स, 2 टेबल स्पून। कितना हमें चाहिए, 2 टेबल स्पून। टेबल स्पून भी मैं आपको बता देती हूँ, ये लिखा होगा घबराइएगा नहीं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 टीस्पून और इसके ऊपर ना लिखा हुआ है 1 टेबल स्पून। तो जब आप मार्केट से लेकर आएंगे ना, तो इट्स रिटन हियर 1 टेबल स्पून। अगर आप लोगों को मेजर करके लेना है तो 15 ग्राम से लेकर के 18 ग्राम तक आप लोग डाल दीजिएगा। सो इज इट क्लियर, फ्रॉम 15 to 18 ग्राम आप लोगों ने इसमें क्या डालना है। अच्छा इसको नापना कैसे है मैं आपको वो भी बता दूं, तो आई फील कंफर्टेबल विद वेइंग स्केल। तो ये हमारे पास हो गया 1, और ये हम लोगों ने लिया फ्रेंड्स, ये हमारे पास है 2। इज इट क्लियर, ये देखिए जी पूरा ऐसे मत लेना कि नहीं हमने ना ऐसे ले लिया, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये लिया यहाँ से, इसको ना लेवल कर दीजिएगा, ये देखिएगा। ठीक है तो ये क्या हमारे पास 2 टेबल स्पून, क्या है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। इट्स क्लियर, उसके बाद हम लोगों ने लेना है हाफ कप। फ्रेंड्स ये क्या है, हाफ कप हम लोगों ने लेना है पानी, ताजा पानी है, जो आरओ का पानी होता है किचन में, आप लोगों ने क्या करना है 1/4 कप। अब मैं यहाँ आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, ये आप 1/4 कप भी ले सकते हैं, 1/4 कप प्लस 1/2 टीस्पून भी ले सकते हैं, वो क्यों मैं आपको अभी बताऊंगी। तो एनीवे अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। सो व्हाट इज दिस, इसको आप लोगों ने पहले पानी में डिसॉल्व जरूरी करना है, नहीं तो क्योंकि इसमें लम्स बन जाएगा। सो नाउ इसमें लगेगा 1 मिनट 1.5 मिनट यहाँ पर हम लोगों का लगेगा। तो ये क्या है, 1/4 कप पानी प्लस 2 टेबल स्पून कोको बटर, कोको पाउडर हर्षी कंपनी का। पानी आप लोगों ने जो लिया है, पानी जो मुझे लेना है वो कौन सा लेना है, जो मैं पानी ले रही हूँ फ्रेंड्स वो कौन सा है, सिंपल ताजा पानी, गर्म नहीं करेंगे, ना तो आपको फ्रिज का लेना है और ना आप लोगों को गर्म करना है। इज इट क्लियर, कोई क्वेश्चन? आई एम सो हैप्पी, मैं इतना स्लो तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ कि कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। हाँ क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, सो दिस इंडिकेट्स आप सबको समझ में आ रहा है, बहुत बहुत ही इजी तरीके से है। प्लीज टेल इंपॉर्टेंट थिंग्स इज इंग्लिश आल्सो।
Okay, friends, to make chocolate sauce, let me repeat, either you can buy Hershey company. So this is ready made, but why don't I take this, because this is a very expensive. So I'm teaching you how to make chocolate. For that, what I have done, half cup, already I have shown you, half cup. This is half cup, you get it from market, and it is written here half cup. Half cup is sugar. No need to grind it, sugar. And second thing, I added 1 teaspoon of salt. Salt that makes a very good balance. And here, I took 1/4 cup of water and 2 tablespoons of cocoa butter, and I'm making a paste. Is it clear? People who requested for the English, I'm sure you must have understood. So please keep on posting your questions. I don't want, friends, if you are going to give me 1 hour. So at the end of 1 hour, you should not feel like, my goodness, I wasted my time. No, friends, I don't want to have that feeling. It's clear? I want, yes, at the end of the webinar, friends, aapko kehna chahiye, ek ghanta jo humne diya Sunita ko, maza aa gaya. I want that feeling. Kyunki waqt bahut kimti hota hai. So is it clear to everyone? Any question? कोको पाउडर स्वीटेड या अनस्वीटेड? मेरा ये वाला जो है अनस्वीटेड है. दिस इज अनस्वीटेड. सो नाउ इट्स डिसॉल्व प्रॉपरली. ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पोर इनटू दिस. इट्स क्लियर? आई डिड नॉट टेक क्रीम. नो क्रीम, नो मिल्क, सिंपली वाटर, शुगर, कोको पाउडर एंड साल्ट. Clear to everyone, friends? Volume is not clear. My volume is not clear? Everyone is facing the same problem, or only there is a 1 or 2 students who are facing this problem? Now it's clear. Just mix it. And now, friends, I'm going to take induction. Aap log ghar mein gas use kar sakte hain. You people can use gas, but here I'm using induction. कब तक पकाना है? नाउ फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू कुक, जब तक ये चीनी घुल नहीं जाती. वेरी सिंपल, इट्स क्लियर? जब तक चीनी घुल नहीं जाती, आप लोगों को इसको पकाना है. अब यहाँ मैं आप लोगों को इसकी एक दो वेराइटी बता रही हूँ. फ्रेंड्स, इन केस इफ यू वॉन्ट टू मेक थोड़ा सा पतला, यू नो, चॉकलेट सॉस, लेट मी रिपीट फ्रेंड्स, अगर आप लोग थोड़ा सा पतला सॉस चाहते हैं, पानी जहाँ मैंने 1/4 कप लिया, आप लोग 1/4 कप प्लस 1 टीस्पून कर दीजिए, बस. इज इट क्लियर? अगर आप लोगों को पतला चाहिए, पानी की क्वांटिटी बस ज्यादा बढ़ाना है और कुछ भी नहीं करना. सो इट्स सो इजी. देखा आपने, यू कैन टेक ब्राउन शुगर आल्सो, सो चॉइस इज योर्स. इफ यू यूज ब्राउन शुगर, यू विल बी गेटिंग वेरी डार्क कलर. सो देयर आर सम पीपल हु डोंट वांट व्हाइट शुगर. Yes, friends, you can use brown sugar. Though nobody has asked this question, but I have answered. Is it clear? And now for how long you need to cook? Kab tak pakana hai? Jab tak ki chini gal nahi jati, aur sauce aap logo lagega, sauce ki ek consistency aap logo ko mil jayegi. Chini nahi rehni chahiye iske andar. You used powder sugar? No, I did not use powder sugar. I use whole sugar. It may take hardly 1 to 2 minutes extra. But yes, friends, you can use caster sugar also. Caster sugar means you can put into the grinder and churn it. So that will save your time. Otherwise, whole is also okay. What's the quantity again? 1/4 cup. Friends, let me repeat again. I request everyone to write it down. Sugar, 1/2 cup. Salt, 1/8 teaspoon. Cocoa powder, 2 tablespoons, and water, 1/4 cup. Neither hot nor cold. Simple room temperature wala pani aap logon ko lena hai. And you need to cook until all the sugar is dissolved. Puri chini na aapko granules nahi dikhai dega. If you see ready-made sauce, that comes in a very good consistency. Na? So, I need sauce consistency hona chahiye. So, chini nahi hona chahiye. चीनी नहीं होना चाहिए. फ्रेंड्स, लेट मी शो यू. ये देखिए जी,
क्या मैं कहना चाह रही हूँ, कैन यू शो, यहाँ पर ये देखिएगा चीनी के कुछ ग्रैनुल्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, तो मुझे चीनी के ग्रैनुल्स नहीं नजर आने चाहिए, ठीक है? टेम्परेचर ऑफ इंडक्शन वेरी स्लो फ्रेंड्स, वेरी स्लो, इधर इंडक्शन और गैस वेरी स्लो. नाउ डिड यू नोटिस फ्रेंड्स, जस्ट आई यूज इंडक्शन ओनली फॉर क्विक 2-3 मिनट्स, आफ्टर दैट इंडक्शन इज ऑफ, बट आई एम पुटिंग इट इन द इंडक्शन क्योंकि इसमें हीट है अभी, मुझे वही हीट चाहिए. इंडक्शन इज ऑफ फ्रेंड्स, मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 मिनट्स, दैट्स इट. सो 2 मिनट्स अब या ऑल द शुगर इज डिसॉल्व फ्रेंड्स, आई कांट सी एनी शुगर हियर, तो शुगर इज डिसॉल्व. सो इट्स क्लियर टू एवरीवन? टिप मैंने आप लोगों को फ्रेंड्स, आई हैव गिवन यू 2-3 टिप्स. नंबर 1, सॉस को पतला बनाना है, 1/4 कप ऑफ वाटर प्लस 1 टीस्पून एक्स्ट्रा. पतला बनाना है तो थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, थोड़ा सा 1/4 कप ऑफ वाटर रिमूव 1 टीस्पून ऑफ वाटर, मतलब 1/4 कप से 1 चम्मच का, 1/4 कप से 1 चम्मच चला बस, और कुछ नहीं करना. ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल, नो चॉकलेट, नथिंग, कोई मैंने चॉकलेट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया. और अब इसमें बारी आती है फ्रेंड्स बटर, तो ये मैंने क्या किया, 1.5 टीस्पून बटर लिया मैंने. व्हाट इज दिस, 1.5 टीस्पून ऑफ बटर, ये अमूल का जो बटर है वही लेना है. बटर इट हैज टू बी एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा बटर को रूम टेम्परेचर पर होना है. अभी एकदम से फ्रिज में से मत निकालिएगा क्योंकि हम इसको कुक नहीं कर रहे हैं, तो उसको ना गलने में, आई मीन डिसॉल्व होने में इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. सो बटर इट हैज टू बी एट रूम टेम्परेचर. Quantity of butter is 1.5 means approximately 8 gram. Friends, approximately 8 gram. Butter बहुत अच्छा glaze देता है. चीनी मीठा देगा, कोको पाउडर चॉकलेट सॉस है, पानी मिक्स करने के लिए, नमक बैलेंस करने के लिए, and butter good glazing के लिए. So is it clear to everyone? Now friends, our chocolate sauce is ready. कितनी देर लगा? 2-3 minutes. That's it. आप इसको लेकर के बना करके, अगर कोई हर्षे की बॉटल हो तो उसको खाली करके रख दीजिएगा, नहीं है कोई भी बॉटल आपके घर में है आप लोग उसके अंदर बना करके फ्रिज में आप लोगों को रखना, बाहर नहीं रखना. और फ्रिज में फ्रेंड्स ये सॉस बहुत आराम से 20-25 दिन बहुत आराम से चलेगा. जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो सब ताजी सॉसेस खुद बनाते, दे डोंट बाय फ्रॉम द मार्केट. हर्षे महंगा पड़ता है और कुछ नहीं है, तो मैं चाहती तो आपको हर्षी यूज करके बता सकती थी संडे, बट मुझे लगा कि स्टूडेंट्स को अगर एक चॉकलेट सॉस का भी रेसिपी बता दिया जाए तो अच्छा लगेगा. ठीक है जी, तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है चॉकलेट सॉस. चलिए लेट मी शो यू फ्रेंड्स. देखिए मैंने ना चम्मच लिया, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर दिया, कैसे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक भी क्रिस्टल शुगर का नहीं है. देखा आपने, आई डोंट वांट ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ शुगर. सो इट्स क्लियर टू एवरीवन? हो गया, डन फ्रेंड्स. अब आपने क्या करना है, कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, उसके अंदर सॉस को रख दीजिएगा. मैंने क्या किया था, ये हम लोगों ने सुबह बनाया था ये वाला सॉस, ये देखिए लगभग 12-12:30 बजे मैंने सॉस बना दिया था, ये देख रहे. नाउ सी द कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स, कैन यू सी? अगर आपको लगता नहीं, हमें थोड़ी सी थिक चाहिए, 1/4 टीस्पून माइनस 1 चम्मच पानी, ये एग्जैक्ट ये वाला है, तो आई एम कंफर्टेबल. यहां तक किसी को चॉकलेट सॉस में कोई क्वेश्चन किसी का? यू डोंट ऐड कॉर्न फ्लोर? नो फ्रेंड्स, व्हाई यू वांट टू ऐड कॉर्न फ्लोर? वी नेवर एवर ऐड कॉर्न फ्लोर, कभी भी नहीं डालना. हमने पानी इतना कम डाला, हमारी रेसिपी बहुत अच्छी है. सो डोंट ऐड कॉर्न फ्लोर फ्रेंड्स. लेट मी टेल यू, जैसे ही आप कॉर्न फ्लोर डालेंगे ना, आपके जो चॉकलेट सॉस का कलर है बहुत लाइट हो जाएगा, तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी. सो आई डोंट प्रेफर कॉर्न फ्लोर, कलर बहुत लाइट हो जाएगा. हाउ लॉन्ग वी कैन कीप हैंडमेड चॉक सॉस? ये बड़े आराम से फ्रिज में फ्रेंड्स 10-15 दिन, अगर आपकी बॉटल साफ है, आप लोगों ने बॉटल को स्टेरिलाइज किया हुआ, 15 दिन बहुत आराम से चलता है. और वैसे भी बनाने में कितनी देर लग रही है, और इफ यू टेक माय ओपिनियन फ्रेंड्स, मैं तो बोलूंगी ताजा बनाओ और ताजा खाओ, 15 दिन भी क्यों रखें,
जितना हम लोग फ्रेश खाएंगे प्रिजर्वेटिव फ्री खाएंगे दैट्स गुड फॉर अवर बॉडी. और बनाने में कितनी देर लगे, हार्डली 2 मिनट्स. तो क्यों हम लोग फ्रिज अपना भर करके रख दे. आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दैट. एनी क्वेश्चन प्लीज. कहीं पर इंस्टा फेसबुक कोई क्वेश्चन? फ्रेंड्स प्लीज कीप ऑन यू नो पुटिंग द क्वेश्चन. हाउ टू स्टोर द सॉस? इट्स अ वेरी सिंपल व्हाट आई सेड यू फ्रेंड्स. ये देखिए, अगर आपके पास हर्षी की बॉटल है, ये खत्म हो गया, इसका ढक्कन खोल देना यहाँ से और इसके अंदर भर दो. नहीं है कोई भी आप टोमेटो सॉस वाली बॉटल ले लो, वो भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी बॉटल, चटनी वाली बॉटल है, कोई भी बॉटल है, बस फ्रेंड्स उसके अंदर भर के ना. तो सो सिंपल, बस कांच की बॉटल लेना. प्लास्टिक के मैं अगेंस्ट हूँ, तो बेटर मेरा भी देख रहे हैं कांच का है, मैं प्लास्टिक के बहुत अगेंस्ट हूँ. हालांकि हर्षी प्लास्टिक है बट आई प्रेफर ग्लास. So no need to add preservative or commercial use. Commercial में हम कभी आएंगे वो एक बिल्कुल अलग स्ट्रीम पर चले जाते हैं. बट आज जो मैंने बताया है, अगर मैं हर्षे की बात करूं फ्रेंड्स, प्रिजर्वेटिव्स आर देयर बट आई डोंट वांट टू यूज प्रिजर्वेटिव. एक तरीका अलग हो जाता है. आएंगे धीरे धीरे और क्लासेस लेकर आएंगे तो उसके ऊपर फिर हम डिस्कस करेंगे. अगर ये 10 दिन चल रहे हैं मैं समझती हूँ बहुत है. मेजरमेंट्स फ्रेंड्स ओके प्लीज मैं आपको फिर नाउ फ्रेंड्स मेजरमेंट अगेन आई एम गोइंग टू टेल नाउ दिस इज द लास्ट टाइम बिकॉज आई हैव टू बी तो आई गेट आई हैव नॉट स्टार्टेड माय क्लास एंड 35 मिनट्स हैज पास्ड. नाउ फ्रेंड्स नंबर 1 इज शुगर हाफ टीस्पून शुगर हाफ कप. शुगर इज हाफ कप. साल्ट इज 1/8 टीस्पून. वाटर इज 1/4 कप. एंड cocoa powder that's only 2 tablespoon and butter is 8 gram. So simple. You need to take water first of all. What I did friends, take water and cocoa powder, make a slurry. Take sugar and salt, keep it here, make slurry here, put this slurry into this and keep on cooking for 2 to 3 minutes until chocolate is dissolved. All the crystal of chocolates, they get dissolved. So simple. And switch on the gas, then add butter. It's clear now? Clear to everyone now? Still, if you have any question, friends, so what will we do? We will put on the Facebook. Haan, description mein hum log dal denge. Nahi to aap logo ko agar bhool bhi gaye, no problem. So friends, we will put into that description box. It's clear? Chale. Yes. Quantity? 1/8 teaspoon. 1/4 का आधा कर दीजिएगा. दैट्स इट. सो इट्स क्लियर फ्रेंड्स. अभी हमारे पास ये मैंने जो 12 बजे बनाई थी ये मेरे पास पड़ी हुई है विच आई एम गोइंग टू यूज. अब फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास है वनीला आइसक्रीम. देखिए अब जादू शुरू होगा. आप लोगों ने क्या करना है, यू नीड टू टेक वनीला आइसक्रीम. आप स्टोर की ले लो नंबर 1, या तो आप स्टोर की ले सकते हैं या आप लोग खुद बना लीजिएगा. चॉइस इज योर्स. यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स जिन्होंने CSU का आइसक्रीम का कोर्स किया है. इफ एनीवन इज देयर कैन यू पुट इनटू द चैट बॉक्स. अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिन्होंने CSU से आइसक्रीम का कोर्स किया है तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी, वही आइसक्रीम है जो मैं आप लोगों को क्लास में सिखाती हूँ. सेम वही आइसक्रीम है, वेनिला आइसक्रीम है. मैंने सैटरडे को बना करके रख दिया था. चलिए नंबर 1 आप लोगों को क्या करना है, यू नीड टू टेक आइसक्रीम. मैं संडे की अब हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट है टेक आइसक्रीम. ये हमारे पास 3 स्कूप है, 3 या 2.5 स्कूप्स है. नंबर 1 यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, टेक फ्रेंड्स वेफर्स. ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 स्कूप्स है. नाउ दीज आर द वेफर्स विच यू गेट फ्रॉम मार्केट. कंपनी कौन सी है ये आप लोगों के सामने ये पड़ा हुआ है, क्राउन का ये रहा. और चॉकलेट वाला ही लेना है. इज इट क्लियर? व्हाट यू नीड टू डू, बेलन नहीं, मिक्सी नहीं, कुछ नहीं करना. ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बेलन नहीं, डोंट यूज रोलिंग पिन और मिक्सी. आप लोगों को क्या करना है, सिंपल क्रश करना है. देखा आपने, सिंपली फ्रेंड्स व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रश इट. बस कर दिया, दैट्स इट. क्लियर? नंबर 1 आई टुक 2 वेफर्स, छोटे वाले वेफर्स. एंड हियर फ्रेंड्स व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक 1, 2, अच्छा मैंने पूरा भर कर लिया, 2 टीस्पून
chocolate sauce, 2 wafers. Very simple. It's clear to everyone. 2 teaspoons of chocolate sauce freshly made and 2 wafers crush hath se karna hai. I want chunks should come in my mouth when I eat. Balance nahi karna. Don't use mixie, friends. Don't use mixie. And friends, I tell you, people who want to make vanilla ice cream, don't put vanilla flavor. Let me repeat, friends. When you are making, if you know how to make ice cream, don't put vanilla flavor, because we are going to put chocolate sauce. That's your wish. If you want, you can add chocolate flavor. That's your wish, not compulsory. So is it clear, friends, what happened? Can you see? Chocolate sauce plus wafers plus vanilla ice cream. Now, what you need to do? Pehle liya, dala. Keep it into the freezer for next 5 to 6 hours. Is it clear? Next 5 to 6 hours, you are going to keep it into freezer until it sets properly. Until it sets properly. तो 6 घंटे के लिए हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे. Clear to everyone, friends? Either you can get it from market or make it yourself. This is approximately 100 gram. ये भी मैं बता दूँ. I measured this when I was making this. I took 100 gram vanilla ice cream, or you can say 2.5, ढाई scoop of ice cream, and 2 teaspoon of chocolate sauce and 2 wafers. Wafers crush नहीं करेंगे, मतलब मिक्सी में नहीं करेंगे, हाथ से करेंगे. And chocolate sauce, take care, it should be totally ठंडा. मतलब गरम गरम जो मैंने अभी बनाया है, you can't take this. तो कम से कम you need to make 2 hours prior to start this class. So it's clear? Now friends, I am going to put into freezer for next 6 hours. So easy. कितना इजी रेसिपी है. सिर्फ एक प्रेजेंटेशन से हम इसकी यू नो सब कुछ चेंज कर देंगे. ओके. एंड नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने क्या लेना है. नाउ यू नीड टू टेक व्हिपिंग क्रीम. व्हिपिंग क्रीम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. किरण, कैन यू गिव मी व्हिपिंग क्रीम. नाउ फ्रेंड्स, व्हिपिंग क्रीम, देयर आर सम पीपल हु हैव नॉट यूज्ड व्हिपिंग क्रीम. मैं आप लोगों को कंपनी भी दिखा देती हूँ जो मैंने ली है, हाउ टू यूज. Now friends, this is my whipping cream, ये रहा, and company is friends ये रहा, Goodrich का delight. Well, can you see Goodrich का delight? E L I T E. It's a company name is Goodrich and brand is, this is a non-dairy whipping. Is it clear, friends? Whenever you are getting this cream from the market, what you need to do, like suppose today you bought, you need to keep into freezer. तो friends, आप लोग इसको सबसे पहले freezer में रखेंगे. 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जब तक नहीं चाहिए. उसके बाद जब भी आपको बनाना है, जैसे मुझे ये बनाना था, 4 घंटे पहले इसको फ्रिज में रख दीजिए. पहले आप फ्रीजर में रखेंगे, फिर आप लोग इसको फ्रिज में रखेंगे 4 घंटे पहले. तो हमने क्या किया था, इस वाले को 11 बजे के लगभग मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था. सो इज इट क्लियर सबको. कंपनी नेम बता दिया, ब्रांड का बता दिया. और ये कैसे यूज करना है, एकदम से फ्रीजर से नहीं यूज करना. जब आपने ये यूज कर लिया मान लो और बच गया, इसको फिर फ्रीजर में रखना है. फ्रिज में नहीं रखना. फ्रीजर मींस जहां पर आप लोग बर्फ जमाते हैं, जहां पर फ्रेंड्स आप लोग बर्फ जमाते हैं, वहां फ्रीजर में रखना है. अब अगर आपके पास एक बीटर है तो बहुत बहुत अच्छी बात है. नहीं है तो देन यू कैन टेक यू नो विस्कर आल्सो, बट उसमें ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है. तो आई फील कंफर्टेबल इसके साथ. ये वाला आइसक्रीम में भी हमें चाहिए होता है, तो इट कम्स विद अटैचमेंट. ये ना मेरे पास ये बोरोसिल कंपनी है, बहुत अच्छा है. मैं पीछे तक नहीं कितने सालों से इसको यूज कर रही हूँ, आज तक खराब नहीं हुआ. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जी फ्रेंड्स, आपने इसकी ये देखना यहाँ तक ये भरा हुआ. ये अब आप देखना फूल कर ये कहाँ तक वॉल्यूम पहुंच जाएगा. और इसको विप करने के लिए मुझे लगभग 5 मिनट चाहिए. तो 5 मिनट तक हम क्या करेंगे, इसको विप करेंगे. तब तक अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, जब तक फ्रेंड्स मैं 5 मिनट के लिए विप कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको ना चैट बॉक्स के ऊपर लिख सकते हैं. तो मेरे साथ मेरे स्टाफ के लोग हैं, वो मुझे बताते जाएंगे. तो लेट अस यूटिलाइज दिस टाइम फॉर द क्वेश्चन.
मैं अंदाजे से ले रही हूँ, बताऊंगी लगभग आप लोगों को, अगर एक ग्लास संडे बनाना है लगभग लगभग आप लोगों को 30 ग्राम के लगभग व्हिपिंग क्रीम चाहिए, मेरी ज्यादा क्योंकि मुझे आज शाम को फिर चाहिए। और व्हिपिंग क्रीम डिपेंड करता है आपका ग्लास छोटा है या बड़ा है, बड़े ग्लास में बना रहे हो ज्यादा डलेगा, छोटे ग्लास में बना रहे हो कम डलेगा। मैंने बताया ना फ्रेंड्स, वैसे आपको 30 ग्राम चाहिए बट मैंने तो लगभग लगभग 150 ग्राम लिया है कि मुझे आज शाम को कुछ और भी बनाना है। इधर तो क्वेश्चन दिए थे, तो क्वेश्चन फ्रेंड्स जहां तक जितना मैंने किया है, जितने लोगों को अभी तक चॉकलेट सॉस आइसक्रीम को मैंने क्या किया और ये, प्लीज पुट इन टू द चैट बॉक्स अगर आपको क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, जिनको क्लियर है तो आप लोग सब हम टाइम को यूज करते हैं, तो रिक्वेस्ट जिनको क्लियर है आप सब लिख दीजिएगा क्लियर क्लियर क्लियर, जिनको नहीं क्लियर है आप लिख दीजिएगा नॉट क्लियर नॉट क्लियर, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं ठीक सिखा पा रही हूँ या नहीं। हाँ तो ऐसे करते हैं, खाली का बैठेंगे तो आप लोग प्लीज लिख दीजिए। कैन वी यूज अमूल व्हिपिंग क्रीम? व्हिच वन? अमूल, अमूल व्हिपिंग क्रीम। हाँ मतलब कोई भी ब्रांड ले लो, कोई भी ब्रांड आप लोग ले सकते हो। अच्छा इसको कब तक करने में वो भी बता दो। देखो जी फ्रेंड्स ये भी एक पहचान बता देते हो, ये देखिएगा नीचे गिर रहा है ना, ये देखिएगा दोबारा देखो, पुट योर स्टेयर इनटू दिस, फिर देखिएगा ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखो गिरता जा रहा है ना, ये देख रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि अभी बुक नहीं हुआ। भाई ये बात गलत है, इसका मतलब किसी को भी क्लियर नहीं है, मैं दोबारा से बताऊं आप सबको, जिस जिसको समझ में आ गया प्लीज क्लियर लिख दो। एक बच्चा, दो बच्चा, कितना बच्चे लिख रहे हैं? जो नहीं लिख रहे पर मैं ये सोचूंगी मेरी भाषा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ना ये जो मेरा ब्लेंडर है, मैं इसकी स्पीड अब मैं 3 के ऊपर करी, देयर आर नंबर 1 2 3, तो मैं 3 के ऊपर चला रही हूँ। फ्रेंड्स देखा आपने, दोबारा देखते हैं एक बार, एक क्लोजअप ले लीजिए। क्लियर है? बट मुझे भी थोड़ी सी और
टाइम हो जाती है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये ना अप्रोक्सीमेटली देखो जी, ठीक लग रही है आप सबको, ये देखिए काफी थिक हो चुकी है, मुझे इतनी थिक चाहिए, देखा आपने, सी अब वॉल्यूम भी 3 times हो चुका है, जब मैंने लिखा था ना वो इतना सा था, अब पूरा ये मेरा जो बाउल है ये देखिएगा ये भर चुका है। सो व्हिपिंग क्रीम हम इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला फ्रेंड्स, हाँ कुछ भी नहीं इसमें आपको डाला, नो चॉकलेट सॉस, नो शुगर, नो मिल्क, नो बटर, कुछ कुछ भी नहीं आप लोगों ने डाला। सो इज इट क्लियर सबको यहाँ तक का, व्हिपिंग क्रीम मेरे पास तैयार है, चॉकलेट सॉस मेरे पास तैयार है, आइसक्रीम मेरे पास तैयार है, अब हम लोगों ने क्या करना है, पाइपिंग बैग लेना है, क्या चाहिए हम लोगों को फ्रेंड्स, पाइपिंग बैग आप लोगों ने लेना है, दिस इज पाइपिंग बैग, अगर बड़े साइज का होता है ना तो हम अपने हाथ पर रख करके भी ऐसे कर लेते हैं, पर ये साइज थोड़ा सा छोटा है, तो छोटा साइज है, आपने क्या करना है ये ग्लास के ऊपर ऐसे रख दीजिएगा, सिंपल जस्ट इसको ये दोबारा देखते हैं, अभी मैंने नीचे से इसको काटा नहीं है, ये रहा, इसको ग्लास के अंदर रख लीजिएगा और ये एक ऐसे में सपोर्ट दे दीजिएगा, बस रफली हम लोग कर रहे हैं चम्मच, रफली हम लोग क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, अब आप लोगों ने क्या करना है, स्पून ले लीजिएगा और आपने क्या करना है, स्पून से पाइपिंग बैग को में व्हिपिंग क्रीम, देख रहे हैं कितनी लाइट है, इट्स जस्ट लाइक कॉटन, जैसे रुई होती है ना हल्की सी, बिल्कुल फ्रेंड्स इतनी ही हल्की है, बहुत लाइट हो चुकी है व्हिप करने के बाद। सो इज इट क्लियर सबको यहाँ तक का, देख रहे हैं फ्रेंड्स कैसी है, ये देखिएगा बिल्कुल कॉटन की तरह ये लाइट है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको, ये मेरे को बाद में कुछ बनाना है, यहाँ तक हो गया हमारे पास, ये देखिए आ गया व्हिपिंग क्रीम, व्हिपिंग क्रीम को हमने क्या किया इसके अंदर डाल दिया, हो गया ठीक है। आप लोग चाहो, जो लोग बेकरी में एक्सपर्ट हैं आप लोग इसके नीचे नोजल भी लगा सकते हो, आप लोग चाहो तो नोजल भी लगा सकते हो, तो मैंने क्या किया यहाँ से इसको इतना, ये देखो जी हमने काट लिया, देखा आपने, नोजल भी आप लोग लगा सकते हो, मैंने नोजल इसलिए नहीं लगाया था, किसी के घर में नोजल नहीं है तो उनको वो लगेगा कि हमारे घर में नोजल नहीं है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास क्या क्या है, नंबर वन चॉकलेट सॉस इज रेडी, नंबर टू आइसक्रीम भी हमारे पास रेडी है, नंबर थर्ड ये ब्राउनी है, रेडीमेड ब्राउनी फ्रेंड्स, ये मैंने जो लिया है, ये मेरी जो ब्राउनी है ये देखिए वॉलनट चॉकलेट ब्राउनी मैंने लिया, आप खुद बनाते हैं आप लोग खुद बना दीजिएगा, बिना वॉलनट के भी ले सकते हैं, खाली चॉकलेट ब्राउनी भी आप लोग ले सकते हैं, सो ऑल दैट इज योर विश। सो व्हाट इज दिस फ्रेंड्स, ब्राउनी आपके हाथ में होनी चाहिए, चॉकलेट सॉस आपके पास होना चाहिए, क्रीम आपके पास, आप ये देखिएगा ये तैयार है, ब्राउनी हमारे पास है, आइसक्रीम हमारे पास तैयार होना चाहिए और ग्लासेस हमारे पास तैयार है, ठीक है। आप कभी देखिएगा अगर आप जाते हैं ना संडे वगैरह का आप लोग ऑर्डर देते हैं, उनके पास सब कुछ होता है एंड विद इन 5 minutes वो आप लोगों को सब कुछ मतलब सर्व करके दे देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा, ये नहीं, ये एक और, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो हम लोगों ने पहले बना करके रखा हुआ है, कैसे बनाया वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये देखिए जी फ्रेंड्स, ये चीज है, मैंने वनीला आइसक्रीम लिया था, चॉकलेट सॉस डाला और वेफर डाला एंड कीप इट इनटू फ्रिज फॉर 6 hours, तो 6 घंटे में क्या हो गया, ये मेरा सेट हो गया। कैसे बनाना ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, 6 घंटे तक आप लोगों ने रखना है। तो इज इट क्लियर, 1 चॉकलेट सॉस, क्रीम कैसे व्हिप करने बता दिया, ब्राउनी इफ यू आर एक्सपर्ट इन बेकरी यू कैन, नहीं है आप लोग छोड़ दीजिएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, ग्लास ना फ्रेंड्स आप लोगों के ऊपर है, आप लोग चाहो तो ये ले सकते हो, बट मुझे ये लगता है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, खाया नहीं जाता इतना बड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा ग्लास ले रही हूँ, ठीक है। आप लोग लेना चाहो तो इतना बड़ा भी ले सकते हो, बट मुझे लगता है इट्स टू मच, बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इज इट क्लियर, अब सबसे पहले अब हम आ रहे हैं फ्रेंड्स असेंबलिंग के ऊपर, असेंबल आप लोगों ने कैसे करना है। फर्स्ट लेयर चॉकलेट सॉस, ये देखिए जी ये बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लेयर इज फ्रेंड्स चॉकलेट सॉस, ये हो गया हमारे पास, क्या है
चॉकलेट सॉस बर्तन में कितना लेना है, अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली 1/4 इंच और हाफ इंच आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. इज इट क्लियर? व्हाट इज फर्स्ट लेयर? मैंने हाफ इंच लिया है. फर्स्ट लेयर इज चॉकलेट सॉस, नंबर वन. नंबर टू, ब्राउनी आप लोगों ने लेना है, हल्का सा इसको क्रश करके ब्राउनी को डाल दीजिए. इज इट क्लियर? ब्राउनी लिया और हमने इसको डाल दिया. थर्ड लेयर वेफर्स को ना फ्रेंड्स आप लोगों ने मिक्सी में नहीं करना, ध्यान रखिएगा. जहां मुंह में वेफर्स आएगा ना, यू विल लव इट. तो फिर हम लोगों ने क्या लिया, नेक्स्ट लेयर इज वेफर्स. हो गया? वेफर्स ना बहुत अच्छा बैलेंस कर देता है मीठे को. उसके बाद है हमारे पास यूजिंग स्कूपर. आप लोगों को क्या करना है, यही वाली फ्रेंड्स जो आइसक्रीम जो मैंने चॉकलेट सॉस और वेफर डाल करके मैंने जमाया था. अच्छा, इसके अंदर ना मैं आपको एक टिप और देती हूँ, मैंने इसमें किया हुआ है. इफ यू वांट टू मेक ट्रिपल संडे, ये मेरा ट्रिपल संडे बन रहा है. आई शो यू फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये देखा आपने आ गया. इसके अंदर ना फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, जब मैंने जमाया था ना, ये ना चॉकलेट के चिप्स आते हैं, देख रहे हैं, ये चॉकलेट के चिप्स भी मैंने डाल दिए थे. जरूरी नहीं है आज मैंने नहीं डाले हैं, एक एक्स्ट्रा चॉकलेट का टेस्ट चाहिए तो इसके अंदर आप सबको चॉकलेट के चिप्स दिखाई दे रहे हैं. सो दैट्स डिपेंड्स अपॉन यू, मीन्स आप कितना इनोवेटिव बन सकते हो. तो इसमें मेरे चॉकलेट के चिप्स भी हैं. ये हो गया जी हमारे पास, एक लेयर हम लोगों ने लिया. एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू फ्रेंड्स, ये देखिए जी, ये हम लोगों ने लिया, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, क्रीम डालनी है. इज इट क्लियर? व्हिप्ड क्रीम फ्रेंड्स, डल गया. फिर हम लोगों ने क्या करना, अब ब्लैक एंड व्हाइट मजा आएगा ब्लैक एंड व्हाइट को देखने में. जो साइड से गिरती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, अमेजिंग. जैसे कि ये साइड से गिरा. हाँ, मैं रिपीट कर रही हूं, फर्स्ट लेयर सॉस, सेकेंड लेयर ब्राउनी, थर्ड लेयर वेफर्स, फोर्थ लेयर आइसक्रीम, फिफ्थ लेयर क्रीम, सिक्स लेयर सॉस, सेवन लेयर, अभी हमने छह लेयर डाल दिया. इसके बाद थोड़ा सा फ्रेंड्स, थोड़ा सा किरण अपना ब्लैक पेपर लिख दो, ब्लैक हो गया जी फ्रेंड्स. थोड़ा सा मैंने ब्राउनी लिया. इज इट क्लियर फ्रेंड्स, मैंने ब्राउनी डाल दिया. उसके बाद ये हम लोगों ने फिर ये चॉकलेट लिया. इज इट क्लियर? अब पूरा चम्मच भर के नहीं डालना, बहुत ध्यान से, ये देख रहे हैं, पूरा चम्मच से पहले निकाल लेना. पूरा मैंने निकाल लिया. और फ्रेंड्स यू कैन यूज पाइपिंग बैग आल्सो. इसको आप पाइपिंग बैग में भरकर मेहंदी के इसको मतलब एकदम से ऐसे मत डालना, बहुत मोटी लेयर आ जाएगी. तो आपने क्या करना है, इसको इतना सा निकाल लो, जितना पतली सी धार होनी चाहिए. और बहुत पतली मेरे को ये चाहिए. सो नाउ फ्रेंड्स आवर चॉकलेट सन्डे इज रेडी. इज इट क्लियर टू एवरीवन फ्रेंड्स? मैं रिपीट करना चाहूंगी, फर्स्ट लेयर चॉकलेट सॉस आपको बताया, सेकंड लेयर ब्राउनी, थर्ड लेयर वेफर्स, फोर्थ लेयर आइसक्रीम, फिफ्थ लेयर क्रीम, सिक्स्थ लेयर चॉकलेट सॉस, देन ब्राउनी, देन आइसक्रीम, देन व्हिप्ड क्रीम एंड लास्ट में थोड़ा सा टॉपिंग किया हम लोगों ने. किस चीज से? चॉकलेट सॉस से. एंड अगर आप लोगों को फ्रेंड्स आप जितना इनोवेटिव हो सकते हैं ना आप लोग हो सकते हैं. कुकरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कभी किसी को कॉपी मत करो. हाँ, कभी भी कॉपी मत करो, कोशिश करो अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आओ. इज इट क्लियर? अगर समझ में सबको,
इजी है या डिफिकल्ट है? कोई क्वेश्चंस? यम्मी। हाँ, अगर आप खाते ना तो वाकई में आप कहते हो फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा खा लो ना, ट्रस्ट मी, लंच या डिनर नहीं आप कर सकते, आई एम श्योर। इसके बाद आप लोग लंच या डिनर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये ना मैंने आज से हम लोग लगभग लगभग 26 साल पहले, नरूला वॉज वेरी फेमस, तो वहां के शेफ से हम लोगों ने बहुत बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ। मतलब 26 साल हो चुके हैं, बट चीजें थोड़ी बहुत चेंज हो गई हैं। इज इट क्लियर? जब आप ऑर्डर देते हैं ना, 5-7 मिनट में आपके सामने संडे कैसे आ जाता है। अगर आपके पास क्रीम विप पड़ी हुई है, चॉकलेट सॉस बनी हुई है, आइसक्रीम पड़ी हुई है, ब्राउनीज पड़ी हुई है, तो कितनी देर लगेगा? अगर आप लोगों को रेडीमेड चाहिए, ले लीजिएगा। अगर आप लोगों को आइसक्रीम का कोर्स करना है फ्रेंड्स, कमिंग 25th and 26th हम लोगों का चॉकलेट का कोर्स है, 2 दिन का लाइव कोर्स होगा। आई एम सो सॉरी, आइसक्रीम का कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको 35 आइसक्रीम्स बताते हैं, प्लेन आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, एंड देन वेरी एक्सोटिक आइसक्रीम, एंड कुल्फी, एंड फ्रूट आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, बहुत बहुत कुछ इसमें हम लोग बताते हैं। 2 दिन का होगा, एंड टाइमिंग्स क्या होते हैं? 5 to 6:30, हाँ, 25 और 26, 25th and 26th को फ्रेंड्स हम लोगों का आइसक्रीम का कोर्स है। टाइमिंग्स हैं 5 to 6:30, बट 7 बज जाते हैं, और उसकी फीस है 799। तो जिन लोगों को भी करना है, आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी वेबसाइट का एड्रेस दे दीजिएगा। अगर किसी को करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी को 8860, आप लोग प्लीज एक नंबर लिख लीजिए, 8860 75 340, इसके ऊपर आप लोग मैसेज भेज करके पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप लोग ले सकते। मैं रिपीट कर रही हूँ नंबर, 8860 75 340, इसके ऊपर आप लोग एक मैसेज डाल दीजिएगा तो आपको हम लोग पूरी डिटेल भेज देंगे, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के पूरी डिटेल ले सकते हैं। डेट्स मैंने आपको बता दिया, 25th 26th, टाइमिंग्स आर 5 PM to 6:30, एंड फीस इज 799, जिसके अंदर हमारी जूम के ऊपर क्लास होती है, कोई प्री रिकॉर्डेड फ्रेंड्स क्लास नहीं है। तो जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वैसे आप लोग सीखेंगे और क्लास मैं लेती हूँ, जिसकी हम आप लोगों को वीडियो फिर हम लोग भेज देते हैं। आज के लाइव क्लास की कोई वीडियो नहीं है, ये हमारा यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा, फेसबुक के ऊपर हो जाएगा। मैं यही चाहूंगी, अगर आप लोग चाहें फ्रेंड्स, कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ जिसमें हमें लगता है कि वट एवर टैलेंट आई हैव, सो आई शुड यू नो पास दैट टैलेंट, तो आई विल फ्रेंड्स यू नो appreciate, अगर आप लोग ये वाली जो वीडियो है, अगर आप लोग करना चाहें, आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली में, भाभी को, किसी को भी आप लोग ये वीडियो आगे शेयर कर सकते हैं। तो ये भी कहते हैं विद्या का दान एक बहुत बड़ा दान है, जिसके अंदर हम लोगों का पैसा कुछ भी नहीं लगेगा, बट पीपल रिमेम्बर, ओ वाओ, यू नो मेरी सिस्टर ने मेरे को एक बहुत अच्छी वीडियो भेजा था। तो करते हैं फ्री में हम लोग एक शेयरिंग का काम करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और जिसको ये वीडियो मिलेगा वो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि वाह, हमें हो सकता है किसी ने आज ज्वाइन नहीं कर पाए हो या उनको मालूम नहीं हो, तो आप लोग ये पुण्य का काम उनके साथ कर सकते हैं। आपको क्लास कैसे लगा, आई विल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा ऐसे कर दीजिएगा, अच्छा लगा ऐसे कर दीजिए, तो आई विल अप्रिशिएट, ताकि अगली क्लास में हम अपने आप को और भी इम्प्रूव करें। कोई आपकी तरफ से सजेशन हो कि मैम हमें नहीं अच्छा लगा, आपको ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए, फ्रेंड्स आई विल रिस्पेक्ट यू, अपने लोग ही होते हैं ना जो कमी निकालते हैं, तो आई विल नॉट माइंड इट फ्रेंड्स, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन आता है हमें अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्यूजडे मीन्स 17 वी आर कमिंग अप विद अ वेरी नाइस वेबिनार, वो है हमारा वैक्स टैबलेट। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो फ्रेंड्स वो 500-500 रुपए का टैबलेट आपको मिलता है, अगर आप लोग खुद बनाएंगे तो आप लोगों को वो टैबलेट, मैं भी समझती हूँ, 25 या 30 रुपए से ऊपर का पड़ेगा। तो वो भी फ्री का वेबिनार है, अगर आप लोग आना चाहें, आप लोगों का यू आर मोस्ट वेलकम। कब है? 17 अगस्त एंड 24 अगस्त को भी हमारे एक मखाना के ऊपर है। तो रिक्वेस्ट मैं सबको ये करूंगी फ्रेंड्स, आप लोग CSDO क्लासेस यूट्यूब के ऊपर,
फेसबुक के ऊपर सीरीज जो क्लासेस को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ताकि फेसबुक और यूट्यूब वाले आप लोगों को यू नो इन्फॉर्मेशन देते जाएं। और हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग, अच्छा लगा तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा फ्रेंड्स वी डोंट माइंड, क्रिटिसिज्म के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वी वॉन्ट फ्रेंड्स ट्रू फीडबैक। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी फीडबैक आप लोग जरूर दे दीजिएगा, कैसे लगा आपको। अच्छा ये बताइए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 1 घंटा अगर आप लोग मुझे देंगे तो आप लोगों को मैं 1 घंटा वापस करूंगी एक इन्फॉर्मेशन के रूप में, तो क्या मैं सही थी या गलत थी, राइट और रॉन्ग, पुट इनटू द चैट बॉक्स, राइट रॉन्ग आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगा 1 घंटा आपका वसूल हुआ, कुछ आपने सीखा, पुट राइट, अगर लगा कि नहीं ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन पुट रॉन्ग ऑल्सो। हमें मोटिवेट करेगा, हम आप लोगों को और भी बहुत कुछ अच्छा सिखाएं फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी जगह से जब लोग आते हैं रियली वी फील वेरी हैप्पी कि हमारा एक्सपीरियंस किसी और को काम आ रहा है। मुझे अच्छा लगा जब मैंने आप लोगों को चॉकलेट सॉस सिखाया एंड रियली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फ्रेंड्स। चाहती तो मैं भी हर्षिका सिरप लेकर के मैं ये बता सकती थी आप लोगों को, बट मैंने आपको बताया आई एम फीलिंग गुड कि अगर आप लोगों को छोटी जगह रहते हैं 250 रुपए का आप हर्षी का सिरप लेकर आएंगे, और इसकी कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं, आप लगा लो नथिंग, कोई कॉस्ट नहीं है, एंड सिर्फ प्रिजर्वेटिव फ्री और आप लोगों के अपने हाथों से बना हुआ। फ्रेंड्स स्टिल मैं यूट्यूब के ऊपर भी मैं देख रही हूँ मुझे ज्यादा कमेंट्स नहीं मिले हैं, कैसा लगा, कम कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आई डोंट नो फेसबुक पर कितने हैं। How to add preservative, friends? We have, you know, for the commercial point of view, we give complete consultancy. You know, that's a total, altogether, friends, it's a different thing. Altogether, it is a different thing. Their raw material is different, machines are totally different, everything is different. This is good for the housewife, apne ghar ke liye banana hai. So, even though sometimes people ask from us ki whether this is for the commercial, and simply we say no, it's not for the commercial. Yes, friends, it is good. Agar aap logo ka kahi shake ka, agar aap logo ka koi parlor hai, maan lijiyega, juice ka parlor hai, uske liye these are the best. Because you are not going to preserve it. एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट करने की आई डोंट थिंक सो क्या रिपीट करने की जरूरत है। एंड फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू यू नो टीच यू प्रॉपरली, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग CSDO। नंबर में एक बार फिर बता देती हूँ, अगर किसी को आइसक्रीम का कोर्स करना है 8860075340। अगर किसी को कोर्स करना है, यू पीपल आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। When we teach you 35 kinds of ice cream, okay? So friends, here with your permission, we are going to end this webinar. See you on coming Tuesday, 3 p.m. with new webinar, new subject. Till then, take care. Bye-bye. Friends, we are going to end our webinar. Don't forget to share this.